इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के टाइटेनियम डिलाइट क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपके साथ ऑल द बेनिफिट फीचर, क्या फी एंड चार्जेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में जानने को मिल जाएगा। प्लस मैं ये भी बताऊंगा ये क्रेडिट कार्ड की पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, निगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आपको वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि हम अपने चैनल से फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो, वेबसाइट डेवलपिंग से रिलेटेड वीडियो एवं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लाया करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट फीचर के बारे में। इस शुरुआत करते हैं बेनिफिट फीचर वेलकम ऑफर से। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे आपको कार्ड मिल जाता है विद इन 30 डेज के अंदर में, अगर आप कहीं पर भी ये कार्ड स्वाइप करते हो तो आपको 2000 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट आपको देता है कि बाय वन गेट वन मूवी टिकट अगर आपको फ्री में देता है, कि अगर आप बुक माई शो से मूवी टिकट बाय करते हो वो भी वेनसडे के दिन, तो आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलता है। इसके बाद अगर आप वेनसडे के दिन अगर आप ग्रोसरीज स्पेंड करते हो, कहीं से भी अगर आप ग्रोसरीज स्पेंड करते हो, आपको डायरेक्ट 5% का कैशबैक देता है। अगला बेनिफिट ये है कि वेनसडे के दिन ही अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हो पिज्जा हट से या डोमिनोज से, तो आपको डायरेक्ट 10% का कैशबैक देता है। जैसे ही आपको कार्ड मिलता है, आप एनुअली बेसिस पे यूज करते हैं 1,20,000 रुपीज की, तो आपको 4,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगला ये है कि जैसे आपको कार्ड मिलता है फर्स्ट 60 डेज के अंदर में, अगर आपने 10,000 रुपीज का यूज किया तो आपको 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अगला बेनिफिट की बात करूँ तो कि अगर आप 100 रुपीज के स्पेंडिंग करते हो, चाहे आप कहीं पे भी करो, तो 100 रुपीज पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगला बात करते हैं फ्यूल पे। तो अगर आपकी फ्यूल पे स्पेंडिंग होती है तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये रही आपके ऑल द बेनिफिट फीचर। अब जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में फी एंड चार्जेस के बारे में। उससे पहले बता दूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए अब जानते हैं फी एंड चार्जेस। फी एंड चार्जेस ये है कि इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअली फी है वो है 750 रुपीज का, बट अगर आपकी एनुअली स्पेंडिंग हो जाती है 1,00,000 रुपीज की, तो ये भी आपका 750 रुपीज आपके वेवर हो जाएंगे। एड ऑन क्रेडिट कार्ड इशू करवाओगे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप ATM से पैसे विड्रॉ करोगे तो 2.5% का आपको चार्ज लगता है, लेकिन मिनिमम जो चार्ज आपको लगेंगे वो आप 500 रुपीज़ का जरूर लगेंगे। ओवर लिमिट अगर आप 1 रुपये का यूज करते हो, 10 रुपये का यूज करते हो या आप 1,000 का यूज करते हो, आपको 600 रुपीज़ का चार्ज लगता है। लेट पेमेंट की बात करूँ तो लेट पेमेंट आपको 15% का आपका लेट पेमेंट चार्ज लगता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि 15% का चार्ज आपको नहीं लगता है। एक तरह से मिनिमम जो लगेंगे वो 50 रुपीज़ लगेंगे, मैक्सिमम जो लगेंगे वो आपको 1,250 रुपीज़ ही लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको चार्ज नहीं लगेगा लेट पेमेंट का। उसके बाद बात करते हैं ये जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप IRCTC से टिकट बुकिंग करते हो तो उस पर आपको 1.8% का चार्ज भी करता है। तो ये रही आपके ऑल द फी एंड चार्जेस। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो या यूज करना चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब जानते हैं इस जो क्रेडिट कार्ड के, इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो ये जो क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी एज जो होनी चाहिए 18 से ऊपर होनी चाहिए, आपकी क्रेडिट स्कोर जो होनी चाहिए वो आपकी अच्छी क्रेडिट स्कोर होनी चाहिए, आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। बाकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करवा सकते हो बैंक से। डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपका क्या होता है कि आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, एड्रेस प्रूफ लगता है, इनकम प्रूफ लगता है। कभी कभी आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको KYC पे ही मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी अदर रिलेटेड वीडियो से डाउट हो तो आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हो। इस वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए बैक टू बैक लाया करता हूँ। तो मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।